किसान भाइयों नमस्कार। अप्रैल चल गई है, आज 12 तारीख है अप्रैल की। कुछ भाई अब भी जड़ से गन्ने की कटाई कर रहे हैं। अगर आपका पौधा खड़ा है इस तरह, ये देखिए, और उसमें ये पोगले हैं, बहुत अच्छे फुटे लिए हुए हैं, तो मेरे भाइयों इस तरह पोगे छोड़िए, इन्हें बचाइए। इससे क्या लाभ होगा, आपको कम समय में पूरे गन्ने की पैदावार मिलेगी और खाद भी कम लगाना पड़ेगा, सिंचाई भी कम देनी पड़ेगी। क्योंकि जब हम पत्ती जला देते हैं तो धरती एकदम कोरी हो जाती है और धूप ज़्यादा लगती है, हवा भी ज़्यादा लगती है, और उसमें जुताई भी करनी पड़ती है और खाद भी ज़्यादा डालना पड़ता है। भाइयों देखिए, एक फुट का गन्ना भी तैयार है, ये बहुत अच्छी फुटे ली हुई है। इसमें भाइयों पत्ती फैला दी गई है, पत्ती से नमी बनी रहती है। आप करके तो देखिए कितना लाभ होगा, हमें खुद करके देखा है। अब की बार खेत में मन लगता है, देखिए आज कल लोगों के मन में ये पता नहीं क्या बात आई आ गई, हम जड़ से गन्ने की कटाई करेंगे, फिर पत्ती जलाएंगे, तब गन्ना अच्छा होगा। लेकिन हो तो जाएगा, लेकिन वो बात नहीं होगी जो इसमें है, और वो बात नहीं होगी इसमें, बहुत कम लागत आएगी और गन्ना तैयार हो जाएगा। और जो एक दोहरे से काट के पत्ती जलाते हैं उसमें वह बात नहीं आएगी, इसमें उसके मुकाबले इसमें अच्छा गन्ना होएगा। चलो भाइयों अब चलते हैं दूसरे खेत में, दिखाते हैं वो आवारा पशुओं ने कैसा कर दिया। ये देखिए भाइयों, आवारा पशुओं ने कितना बुरा हाल कर दिया, सारा खेत कोरा कर दिया एकदम। ये देखिए बिल्कुल सब कोई खा गए, कुछ नहीं छोड़ा इसमें, सब एक दोरे से मिला दिया। इसे एक महीना हो गया खेत को बोए हुए, अब इसमें करें तो क्या करें। अब इसमें सोच रहा था जोत के पानी कर दूंगा, लेकिन आवारा पशुओं ने सारा नाश कर दिया इसका। नमस्कार।